उज्जैन में राजू द्रोणावत हत्याकांड में पुलिस को मिली सफलता। आरोपी अभिषेक उर्फ बाबू भारद्वाज को पुलिस ने शार्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। उसके दोनों पैरों में गोलियां लगी है। बाबू पर बीती 4 मई को सरेआम गोली मारकर राजू द्रोणावत की हत्या करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार मंगलवार दोपहर बाबू के शिप्रा विहार कॉलोनी में होने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस उसे पकड़ने पहुंची तो वह भागने लगा। इसके बाद पुलिस को उस पर गोली चलानी पड़ी। फिलहाल बाबू को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस से बचने के लिए आरोपी बाबू भारद्वाज ने भी पुलिस पर फायर किए थे। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पर फायर किए जो उसके पैरों में लगी। एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। 4 मई को शहर के माधव नगर थाना क्षेत्र में भीड़भाड़ वाले इलाके फ्रीगंज में बाइक सवार दो लोगों को मुंगी चौराहे पर खड़े राजू द्रोणावत की गोली मारकर हत्या कर दी। सनसनीखेज वारदात में पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी। गोली मारने वाला शख्स अपने साथी के साथ बाइक पर सवार होकर फरार हो गया था। दोनों हमलावर बाइक से आए थे। बाइक चलाने वाले आरोपी धर्मेंद्र सिसोदिया ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था, जिसे 7 मई को इंजीनियरिंग कॉलेज के पास से गिरफ्तार किया था। मृतक ने मृत्यु पूर्व बयान में बाबू भारद्वाज का नाम बताया था। एडिशनल SP आकाश भूरिया ने बताया, पूरे मामले में हत्या की साजिश रचने वाले मुख्य आरोपी बाबू भारद्वाज के बारे में पुलिस को सूचना मिली। वो शिप्रा विहार होते हुए विक्रम नगर रेलवे स्टेशन से अन्य शहर में भागने की फिराक में है। पुलिस ने नाकेबंदी कर बदमाश बाबू को घेरा। उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी फायर किए जिससे बदमाश के पैरों में 2 गोली लगी। घायल होने के बाद आरोपी को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां उसका इलाज जारी है।